इसके लिए सबसे पहले हम अपने YouTube के चैनल पे चले जाते हैं। चलिए हम YouTube के चैनल पे चले जाते हैं। माई चैनल पे क्लिक कर दीजिए। माई चैनल पे क्लिक करने के बाद हम अपने YouTube के चैनल पे आ गए। उसके बाद हमें जाना है वीडियो मैनेजर पे। वीडियो मैनेजर पे भी चले जाते हैं। अब वीडियो मैनेजर में आने के बाद हमें जाना है कोई भी वीडियो, जिस वीडियो को हम स्केच वाले वीडियोस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी वीडियो चॉइस कर लेते हैं। जैसे देखिए अनस्ट्रक्चर्ड थ्रेड्स को ही हम स्केच टाइप के वीडियोस बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, देखिए सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पास इन्हेंसमेंट्स, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें हमें क्लिक करने के बाद अब हमें जाना है, देखिए यहाँ पास फिल्टर्स हैं, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पास क्या क्या दिखा रहा है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। यहाँ पास जो शो हो रहा है, मतलब ये जो बीच में लकीर है, उसके लकीर के जो लेफ्ट साइड तरफ जो भी हैं वो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं, और आप कोई भी इफेक्ट यूज़ करते हैं वो राइट साइड पर ही दिखेगा, ठीक है। तो हम इसमें जो स्केच के वीडियोस हम बना रहे हैं तो हम स्केच के वीडियोस के इफेक्ट डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे पे है स्केच के वीडियोस के इफेक्ट, ठीक है, ये इस प्रकार होगा, ठीक है, इस प्रकार स्केच के वीडियोस बन जाएंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे अप्लाइड पे क्लिक कर दिए, ठीक है, इसमें क्लिक कर दिए इफेक्ट पर। उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है, हम सेव पर क्लिक कर दिए। ये अब जो हमारे जो वीडियोस है, अगर कोई भी व्यक्ति YouTube चैनल पे देखता है तो वो स्केच जैसे है उस प्रकार से होगा। मैं आप